सो वेलकम टू रॉक मलियास किचन और आज नागर पंचमी ओके आज नागर पंचमी है तो सारे देशवासियों को नागर पंचमी का हैप्पी विशेस और रॉक मलिया किचन से आज हम लोग बना रहे हैं कड़बू कड़बू बोले का तो हल्दी लीव्स है ना हल्दी लीव्स ऐसे दिखता है देखिए ओके मम्मी दिखा रही है हम लोग फ्रंट कैमरा में तो मैं अभी आपको सीधा रेसिपी के पास लेके चलता हूँ कि क्या 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 इंग्रेडिएंट्स है ये बनाने के लिए ठीक ओके तो हमें ये है हल्दी लीव्स देखिए और क्या बोल सकते हैं इसको हल्दी लीव्स नहीं तो टर्मरिक लीव्स इसका मैं लीव्स और इसका प्लांट कैसे दिखता है मैं आपको वीडियो में बाद में दिखाता हूँ और इसको कट करके ऐसा रखना है ठीक है और ऊपर से धो के ऊपर और नीचे थोड़ा कट करके रखना है ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट और बाद में हमें चाहिए ओके हमें चाहिए सोक्ड राइस ये हम लोगों ने चावल डोसा बनाने का चावल है बेसिकली इसको हम लोगों ने 2 घंटा सोक करके रखा था और ये हो गया कोकोनट ग्रेटेड कोकोनट और ये पोहा है पानी में डाल के रखा हुआ है ये 15-20 मिनट रख दो बस काफ़ी है और ये जागरी जागरी तो पूरा कूटा हुआ है ठीक है सो आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट नाइस हुआ है ठीक है और ये वही ग्रेटेड कोकोनट अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है ना ये जागरी को थोड़ा लेके इसके साथ मिक्स करना है वो मम्मी बोल रही है उसको कुछ चूरना बोलते हैं इन शॉर्ट अगर हिंदी या इंग्लिश में बोल देंगे तो वो मिक्स करके रखना है बस कोकोनट और जागरी को मिक्स करके रखना है क्योंकि वो बैटर बना के उसके बीच में वो रख के इसके अंदर बाद में इसको कुक करना है जैसे हम लोग इडली बनाते हैं ना ऐसा ये देखिए चूरना मिक्सर रेडी हो गया अभी हमें ग्राइंड करना है हम लोगों ने लिया है 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सॉल्ट ठीक है और अभी वो बैटर बनाना है ना तो चावल डालना है तो सोप पोहा भी इसमें डाल दो हम लोगों ने 1 पाव चावल लिया था और 1 पाव चावल के लिए हम लोगों ने 1/2 पाव पोहा लिया था ठीक है ना तो उसको दोनों को हम लोगों ने ये करके रखा था क्या सो करके रखा था तो अभी थोड़ा इसमें कोकोनट भी डालना है वो ग्रेटेड कोकोनट भी डाल के मिक्सी में ड्र करना है अभी उसके लिए थोड़ा आप पानी भी डाल सकते हो अगर चाहिए तो और मेक श्योर वो बहुत नाइस होना चाहिए तो पानी डाल दो ठीक है और अभी ये है ना ये बैटर कंप्लीट नाइस पेस्ट होना पड़ेगा उधर हम लोग मम्मी कड़बू का ये बैटर बना रही है तो इसके बीच मैंने सोच लिया ये स्टीमर है ना कुकर वो इडली बनाते हैं ना तो ये हम लोग ने लिया है इसके नीचे इतना अंदर पानी डालना है उसके ऊपर हम लोगों ने ये रखा हुआ है और इसको गर्मा गर्म होना है ठीक है इसके लिए हाई फ्लेम में रख दो ढक्कन डाल के कम से कम 10 मिनट तब तक मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ तो बैटर अभी रेडी हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैटर अभी रेडी होकर मिक्सी से बाहर आ चुका है सो इसका कंसिस्टेंसी ऐसे होना चाहिए तो ज़्यादा पानी मत डालिए क्योंकि वो थिक होना चाहिए ना ये बैटर का भी ये लीफ के ऊपर रख के ये चूरना उसमें मिला के फोल्ड करके इसके अंदर डालना है तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी बैटर को एक साइड में ज़्यादा रख के उसको इधर उधर खींचना है ठीक है देखिए और ऐसा खींचो ओके ज़्यादा नहीं डालना है तो थोड़ा थोड़ा डाल दो उसमें ठीक है 1 by 1 बैटर डाल दिया अभी इसके बीच में थोड़ा थोड़ा वो चूरना बनाया था ना कोकोनट और जागरी का वो इसके बीच में डालते जाना तो बैटर डाल के उसके ऊपर चूरना डालना है याद रखिए उल्टा पल्टा मत कीजिए बाद में ओके तो इतना रेडी हो गया ये भी बनाना है ये अभी बाद में हम लोग बनाएंगे तो पहले हम लोग इतना बना रहे हैं और इसके बीच में ये देखिए इधर से देखो पूरा गर्मा गर्म ये हो गया है तो ऐसा गर्म होना चाहिए तभी ये क्या होता है कि इसका बैटर ये जो फोल्ड करते हैं ना देखिए ऐसे वो मैंने इसका ऐसा फोल्ड किया तो मैं थोड़ा मम्मी को हेल्प करता हूँ ठीक है ऐसा निकालना है और इसको ऐसा रखते जाना है देखिए
इसको साइड साइड ऐसा करके रखते जाना, मेक श्योर कि वो बाहर ना आए, बस एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक साइड साइड में, ओके। और उसमें जो अंदर पानी है ना वो बाहर नहीं आना चाहिए, तो उसका पानी का जो अंदर लेवल है ना वो थोड़ा नीचे होना चाहिए, नीचे रख दो, ओके। हमारे को पंजल पड़ा, ओके। वाओ अभी खुशबू आ रहा है यार, माय गुडनेस। तो देख लीजिए ये अभी हम लोगों ने ऐसा रखा हुआ है, तो अभी हम लोगों का काम है हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम? हाई फ्लेम। कितना मिनट? थोड़े दूर ना अपर 10 मिनट, ओके। हाई फ्लेम में इसको 10 मिनट रखना है, ठीक है। और रखने के बाद ऐसा ढक्कन डाल के हाई फ्लेम में रख दो 10 मिनट्स, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। तो अभी रेडी हो गया, तो देखिए खुशबू इतना बढ़िया आ रहा है, सॉलिड ऑसम। तो अभी उसको मम्मी निकाल के नीचे प्लेट में रख के दिखाएंगी, बहुत गर्म है, गर्मा गर्म। देखिए देखिए वाओ, ये परफेक्टली कुक हो गया है। तो एक एक और निकाल के आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसको जैसे कि मैंने आपको बताया टर्मरिक लीफ कड़बू भी बोलते हैं, कड़बू भी बोलते हैं कन्नड़ा में, और नहीं तो टर्मरिक लीफ डम्पलिंग भी बोलते हैं। इसका स्वाद ये लीफ में होता है, और ये क्योंकि आज नागर पंचमी है, ये नाग देवता का सबसे ज़्यादा पसंदीदा डिश बोल सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग अभी बाहर से कुछ लेके आके खा नहीं सकते, घर में सारा कुछ मम्मी ने घर में बनाया हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा क्योंकि ये एक ऑथेंटिक डिश है, तो मैंने सोचा रॉकमेलेस किचन में डाल दूँगा। तो देखिए परफेक्टली कुक हो गया है, और ये घी के साथ इसको खाना है। और इधर बहुत सारा है, तो मैं अभी रुका नहीं जा रहा है, तो मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ खाने के लिए। तो तब तक आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब टू रॉकमेलेस किचन, और सारे देशवासियों को हैप्पी नागर पंचमी फ्रॉम मी एंड माय एंटायर फैमिली। बाय बाय।